चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कोरोना की रोकथाम के लिए गहलोत सरकार बेहद गंभीर है। और इसी बीच रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने से आने वाली पीढ़ी जागरूक होगी। वहीं लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है। अब प्रदेश में हर दिन 41,000 से ज्यादा कोरोना जांचें हो सकती हैं। 50,000 से ज्यादा कोरोना जांच करने का लक्ष्य रखा गया है और इसकी जानकारी खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी है। रघु शर्मा ने बताया कि 20 जिलों में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा शुरू हो चुकी है, बाकी जिलों में भी जल्द ही कोरोना की जांच होने लगेगी। सरकार के बेहतर इंतजामों की ही वानगी है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और रिकवरी रेशो में 80% तक बढ़ोतरी आ गई है। तेजी से जांच की सुविधा बढ़ाने से रिकवरी में फायदा मिला है। राज्य में अब तक करीब 9,00,000 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, ये बहुत बड़ी खबर है। अब खुद चिकित्सा मंत्री ने यह कह दिया है कि आने वाली पीढ़ी कोरोना से जागरूक हो, इसलिए पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाएगा। और डिटेल्स आप बताएं। इस प्रकार लगातार जागरूकता फैला रही है, साथ ही में पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है। उसी के तर्ज पर अब कोरोना, क्योंकि अभी ये बीमारी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बीमारी जो है उसके साथ ही हमको रहना है, तो इसलिए में घर घर तक इसके प्रति जागरूकता जो है वो बहुत जरूरी है। और इसी को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में कोरोना को भी शामिल किया जाएगा, जिससे और मौसमी बीमारियां हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू है, मलेरिया है, चाहे वो और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, इन सभी के बारे में पाठ्यक्रम में पिछले दिनों जो आदेश निकालते हुए बताया गया था, इन सभी बीमारियों के बारे में बच्चों को बताया जाएगा कि बच्चे एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वो हर परिवार तक, हर घर तक जो है इन बीमारियों के बारे में, रोकथाम के बारे में, इन बीमारियों में फैलने के खतरे और साथ में कह सकते हैं बचाव के उपायों के बारे में घर तक पहुंचा जो सूचना है वो पता थी। इसीलिए पहले इन बीमारियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया गया था। उसी बीमारियों के अंदर जो कोरोना है उसको भी जोड़ा जाएगा, ताकि जो घर घर तक जो है कोरोना की महामारी को लेकर जो जागरूकता अभियान सरकार का है वो पहुंच सके। कोरोना के बचाव, रोकथाम, उसके साथ ही क्या ऐसे उपाय अपनाए जाए जिससे हम खुद अपने आप को स्वस्थ रखें, इन तमाम तरह की चीजों के बारे में पहुंचा सके। इसी को लेकर के चिकित्सा मंत्री ने भी कहा है कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, इसका बहुत असर जो है लोगों में जागरूकता के अंदर आएगा। जी, और विकास, खुद चिकित्सा मंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो इंतजाम शुरुआत से ही राजस्थान की सरकार के द्वारा किए गए उसी का नतीजा है जो रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, 80% हो गया है। इसमें भी तमाम जो कदम उठाए गए उसका बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो जांचें हो रही है पर डे वो 41,000 अभी है, लेकिन लक्ष्य है 50,000 का, वहां तक भी जल्द पहुंच लिया जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1 तारीख को जो था तो ये भी जांच जो है वो उपलब्ध बाहर जांच कराई जा रही थी, लेकिन उसका दायरा पहले 10,000 किया गया, फिर 25,000 का लक्ष्य रखा गया। 25,000 का लक्ष्य पूरा होने के बाद में 50,000 का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो कोरोना की जांचें हैं उसको लेकर के कहीं कोई कमी नहीं रहे। राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि जो आसपास के राज्य हैं जहां पर कोरोना के केस सामने आए उन राज्यों को भी ये आग्रह किया था कि अगर उनके वहां पे जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वो अपने यहाँ के जो 5,000 तक के टेस्ट जो है वो हमारे पास भेज सकते हैं, राजस्थान के अंदर भेज सकते हैं। राजस्थान सरकार ने पहला इनिशिएटिव लिया था इस तरह से, और कई राज्यों ने इसको सराहा भी था कि राजस्थान सरकार की इस तरह की न सिर्फ खुद के टेस्ट कर रहा है बल्कि दूसरे राज्यों से भी अपील कर रहा है कि अगर वहां उनको जरूरत है मदद, राजस्थान पहला राज्य जो आगे आया है, और सभी राज्यों को आस पड़ोसी राज्य है जहाँ पे हालात गंभीर है उनको भी आग्रह किया था कि वो अपने यहाँ से जांच दे सकते हैं, और यही वो वजह है कि लगातार जांचों का दायरा जो वो बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए, क्योंकि लगातार ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के लिए। लगातार जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है, जो एक्टिव केसेस हैं वो बहुत कम हैं, और लगातार जिस तरीके से खुद चिकित्सा मंत्री ये कह रहे हैं कि जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, 41,000 लगातार जांचें की जा रही हैं, लक्ष्य रखा गया है 50,000 का। अब चिकित्सा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, खुद उन्हीं की जुबानी आप सुनिए। चाहे रिकवरी रेट की बात हो, चाहे हमारी मोर्टिलिटी की बात हो, चाहे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी की बात हो, चाहे हमारे पॉजिटिव केसेस की परसेंटेज की बात हो, हर पैरामीटर पे राजस्थान ने बहुत अच्छा कंट्रोल कर रखा कोविड को, और हमारी जांच की क्षमता 41,450 है पर डे आज, और ये आने वाले टाइम में 50,000 पर डे हो जाएगी। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने पड़ोसी राज्य जहाँ की हालात खराब है, टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो नहीं पाई है, उनको ऑफर दिया कि 5,000 तक टेस्ट आप पर डे राजस्थान में करा सकते हो। ये अलग बात है कि कोई ऑफर उन्होंने
स्वीकार किया नहीं, कोई आया नहीं, लेकिन राजस्थान की तैयारी तो इतनी शानदार है कि जहाँ 41,450 लगभग 41,500 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हमने अचीव की हो, हमने जिस ढंग से सैंपल रैंडम सैंपलिंग किया है, जिस तरह से टेस्टिंग की है, करीब 9 लाख लगभग 9 लाख टेस्ट राजस्थान कर चुका अब तक, और हमारे रैंडम सैंपल लेके और जिस ढंग से जहाँ जहाँ भी पॉजिटिव केसेस मिलते हैं हम वहाँ सैंपलिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, जितने ज़्यादा हमने टेस्ट किए उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई कर पाए, और टाइमली जब आइडेंटिफाई करते हो आप तो उनको क्योर भी किया जा सकता है। इसीलिए रिकवरी रेट हमारा अच्छा है कि अगर हमने ILI केसेस जो पहले सिम्टोमेटिक केसेस आते थे उनको आइडेंटिफाई किया, अब जब से 80% एसिम्टोमेटिक केसेस आने लगे तो हमने टेस्टिंग पे जोर दिया, ज़्यादा टेस्ट करेंगे क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो काम है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है इसमें। जो भी पॉजिटिव आदमी के संपर्क में व्यक्ति आते हैं उनकी टाइमली अगर आप टेस्टिंग कर लेते हो और उनमें से जो पॉजिटिव लोग हैं उनको आइसोलेट करके और उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हो तो ये संक्रमण के फैलाव को हम नियंत्रित कर सकते हैं, और वही राजस्थान ने किया। वैसे एक बात और है कि अभी आपकी सरकार एक और ऐतिहासिक फैसला ले रही है, जो कोविड का मैनेजमेंट राजस्थान में रहा है और जो अवेयरनेस अभियान आपने चलाया है उसको इम्प्लूड करते हुए कोविड को पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी। देखिए सदी की भीषणतम महामारी है, कौन कहता स्पेनिश फ्लू आया था 1920 में, लगभग 100 साल हो गए उसको, सदी एक सदी के अंदर ये सबसे बड़ी महामारी का दौर है, और इस महामारी से हमने कैसे अपने प्रदेश की जनता को बचाया, क्या क्या उपाय किए, किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, और क्या क्या नए नए सोच डेवलप हुए, क्या फैसले लिए गए, अगर इनका डॉक्यूमेंटेशन होके और पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी के हेल्थ के प्रति दृष्टिकोण में भी हम बदलाव आने वाले समय में ला सकते हैं। बच्चों के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने की एक एजुकेटिंग थीम पैदा कर देते हैं तो सारी जिंदगी वो अपने बारे में हेल्थ अवेयरनेस की तरफ जागृत होगा। तो इसलिए कोई गलत इरादा नहीं, अच्छा इरादा है कि अगर इसकी किताब बने, कब कब क्या क्या फैसला लिया, कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई, किस तरह की महामारी थी, और जिसका इलाज इतने समय बीत जाने के बाद भी WHO के पास भी नहीं है, वैक्सीन नहीं है, ICMR के पास कोई इलाज नहीं है, और लगभग 3 महीने पूरे कंट्री में लॉकडाउन रहा, सन्नाटा था पूरी जगह, जो जहां था वहीं अपने घर में कैद हो गया, तो ऐसी स्थितियां तो 100 साल में हमने तो सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं। तो इन चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन और इनका किताब बनना मैं समझता हूँ नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देने के लिए उपयुक्त रहता है। इससे एक और ये फायदा होगी, आगे भविष्य में कहीं ऐसी महामारी आए तो उसके लिए पहले से हमारी पीढ़ी प्रिपेयर होगी। जब अगर स्पेनिश फ्लू की कोई किताब आज हमारे पास होती, किन परिस्थितियों में लोगों को बचाने की चुनौती उस जमाने में लोगों के पास थी, आज हम उससे सीखते पहले। आज जो किताब बनेगी उसको पढ़ के भविष्य में आने वाली इसी प्रकार की कोई चुनौती, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी चुनौती आए ही नहीं, और अभी तो ये चुनौती बरकरार है, कब खत्म होगी कोई पता नहीं, लेकिन नई जनरेशन को अगर पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम अगर उनको अवेयर करते हैं और भविष्य में भी वो आने वाले सालों में ये सारे मैनेजमेंट उनके लिए एक नज़ीर बनेगा, और उसके आधार पर वो अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कैसे समाज के सामने अगर इस तरह की चुनौती भविष्य में आएगी तो उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के माध्यम से उनको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सीखने को मिलेगी। वैसे एक लास्ट क्वेश्चन था कि कई राज्यों से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आई कि वेंटिलेटर की कमी है, मरीज को वेंटिलेटर नहीं मिला, लेकिन राजस्थान में कहीं इस तरह की तस्वीर नहीं आई। एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, एक चीज़ और जो अच्छी निकल कर आई, राजस्थान में अधिकतर मरीजों का इलाज बिना वेंटिलेटर के ही संभव हो गया। नहीं, हमारे तो एट ए टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर पर 13, 14, 15, 15-16 आदमियों से ज़्यादा वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी नहीं एट ए टाइम, और जो हॉस्पिटल में आइसोलेशन में थे उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। हमारा तो होम क्वारंटीन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, और हमारे जो आइसोलेशन के बेड थे
चिकित्सालयों में, उनमें ही 14 दिन भर्ती रह के आदमी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। कुछ कुछ लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, अच्छी संख्या में प्लाज्मा थेरेपी दी गई, उससे जो क्रिटिकल केसेस थे उनकी जिंदगी बचाई हमने यहाँ। तो सब तरह की व्यवस्थाएं, चाहे हमारे डॉक्टर्स ने नई दवाओं का कॉम्बिनेशन खोजा हो, आज भी यहाँ रिसर्च का काम चल रहा है। तो कुल मिला के जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है कि इसका वैक्सीन खोजा जाए, इसकी दवा खोजी जाए, उस पर हमारा भी अस्पताल SMS अस्पताल में रिसर्च चल रही है। तो कुछ न कुछ आउटकम आएगा, लेकिन जो भी प्रबंधन राजस्थान में किए गए, समाज के हर वर्ग को कॉन्फिडेंस में लिया गया, चाहे वो डॉक्टर्स हो, धर्मगुरु हो, विभिन्न